ओम शांति। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ भावेश शोडाउन वर्ल्ड के और एक वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम 2019 में लॉन्च होने वाली तीन लग्जरी एसयूवीज ऑडी Q5 वर्सेस रेंज रोवर इवोक वर्सेस वोल्वो XC60 को कंपेयर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। लेट्स रॉक। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैंने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है और हम कोई भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को ध्यान में लेके आगे बढ़ने वाले, जिससे आपको ये वीडियो पूरा देखना है, नहीं तो आपको ही नहीं पता चलेगा कि कौन सी कार सचमुच में एक विनर हुए। तो फ्रेंड्स, जल्दी से बढ़ते हैं हमारी पहले कैटेगरी तरफ। तो हमारी जो फर्स्ट कैटेगरी आती है तो वो है डिजाइन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम इवोक के डिजाइन की बात करें तो इवोक की डिजाइन बहुत ही एक बोल्ड मस्कुलर और एक बहुत ही लग्जरी फील कराने वाली है, जो पुरानी इवोक से पूरी तरीके से चेंज है। अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो इवोक में आपको 4371 mm की लेंथ, 2120 mm की विड्थ एंड 1649 mm की हाइट आपको देखने को मिल जाती है, जो एक कॉम्पैक्ट लग्जरियस एसयूवी के लिए बहुत ही सफिशियंट है। अगर हम इवोक के इंटीरियर की बात करें तो इवोक का इंटीरियर पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि इसमें आपको कंफ्यूजन ना हो, उसलिए किसी भी तरीके के बटन्स आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे प्रोवाइड नहीं किए गए, जो बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक बात है। सो फ्रेंड्स, अगर हम ऑडी Q5 के डिजाइन की बात करें तो इसकी डिजाइन बहुत ही एग्रेसिव और ऑडी Q5 में आपको यहाँ पे शार्प एजेस वाली डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगी, जो एक इसके हाइलाइट्स है। सो फ्रेंड्स, अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो ऑडी Q5 में आपको 4663 mm की लेंथ, 1893 mm की विड्थ एंड 1659 mm की यहाँ पे आपको हाइट मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑडी Q5 इवोक से लेंथ में तो ज्यादा है, बट विड्थ उसकी इवोक से कम है और हाइट दोनों की ऑलमोस्ट सेम आपको देखने को मिल जाती है। अगर हम ऑडी Q5 के इंटीरियर की बात करें तो मुझे पर्सनली ज्यादा अच्छा नहीं लगा, जिस हिसाब से हम इस कार को पे करते हैं उस हिसाब से यहाँ पे वो अट्रैक्टिव डैशबोर्ड आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम 2019 XC60 की बात करें तो यहाँ पे आपको बोल्ड एंड मस्कुलर डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसके डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 4688 mm की लेंथ, 1658 mm की हाइट एंड 1902 mm की आपको यहाँ पे विड्थ मिल जाएगी, जो ऑडी Q5 से ज्यादा आपको यहाँ पे लेंथ 2019 XC60 में आपको देखने को मिल जाएगी। अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो इसका इंटीरियर मुझे इवोक के बाद सबसे ज्यादा पसंद आया है, ऑडी Q5 से भी ज्यादा पसंद आया है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा बटन्स नहीं मिल जाते, आपको सिर्फ टच स्क्रीन से ही आपको पूरा डैशबोर्ड कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे डिजाइन इंक्लूजन की बात करें तो एक्सटीरियर वाइज हमारी जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो कार आती है वो है रेंज रोवर इवोक, सेकंड पोजीशन पे हमारी जो कार आती है वो है ऑडी Q5 एंड थर्ड पोजीशन पे एक्सटीरियर वाइज जो कार आती है वो है वोल्वो XC60। अगर हम यहाँ पे इंटीरियर वाइज देखें तो फर्स्ट पोजीशन पे रेंज रोवर इवोक का इंटीरियर जो मुझे सबसे अच्छा लगा है पर्सनली, सेकंड पोजीशन पे वोल्वो XC60 एंड थर्ड पोजीशन पे आता है ऑडी Q5। सो यहाँ पे ओवरऑल जो कार विनर बनती है डिजाइन वाइज वो है रेंज रोवर इवोक। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2019 इवोक पे एक डिटेल रिव्यू बनाया था, इस वीडियो को भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम हमारी सेकंड कैटेगरी की बात करें तो हमारी जो सेकंड कैटेगरी निकल के आती है वो है परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले इवोक की बात करें तो यहाँ पे आपको 2.0 लीटर का पेट्रोल एंड डीजल इंजन का ऑप्शन मिल जाता है और इसकी मैक्सिमम पावर आपको यहाँ पे 300 bhp मिलती है। इस कार को 0 to 100 km की रफ्तार पकड़ने के लिए सिर्फ 6.3 सेकंड लगते है और इसकी टॉप स्पीड है 242 km/h। यहाँ पे आपको मैक्सिमम टॉर्क 400 Nm मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे ऑडी Q5 के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको 2.0 लीटर का डीजल इंजन आपको यहाँ पे मिलेगा, बट यहाँ पे पेट्रोल का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। अगर हम डीजल इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर 248 bhp की मिलेगा और ये कार 0 to 100 7.2 सेकंड में कैच करती है और इसकी टॉप स्पीड यहाँ पे आपको 230 km/h की यहाँ पे मिल जाती है। और अगर हम इसके मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो यहाँ पे आपको 370.30 Nm का मैक्सिमम टॉर्क मिल जाएगा।
सो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे वोल्वो XC60 के परफॉर्मेंस की बात करें तो ये कार 2.0 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है और इसका मैक्सिमम पावर यहाँ पे आपको 235 bhp मिलेगा। ये कार 0 to 100 की स्पीड ओनली 6.8 सेकंड में कैच करती है और इसकी टॉप स्पीड आपको यहाँ पे 220 किलोमीटर पर आवर की मिल जाएगी और इसका मैक्सिमम टॉर्क 480 न्यूटन। सो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे परफॉर्मेंस कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारी विनर बनती है रेंज रोवर इवोक, बिकॉज यहाँ पे आपको 300 bhp का मैक्सिमम पावर आपको मिलता है जो ऑडी Q5 में नहीं मिलता है एंड वोल्वो XC60 में भी नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको टॉप स्पीड 242 किलोमीटर पर आवर की मिलती है जो ऑडी Q5 में 230 एंड XC60 में 220 किलोमीटर पर आवर की मिल जाती है। अगर हम यहाँ पे 0 टू 100 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है उसे कैच करने में रेंज रोवर इवोक 6.3 सेकंड्स का टाइम लेती है एंड ऑडी Q5 यहाँ पे 7.2 एंड XC60 6.8 सेकंड में ये 0 टू 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड यहाँ पे कैच करती है। तो यहाँ पे हम दावे के साथ कह सकते हैं कि रेंज रोवर इज द विनर इन परफॉर्मेंस। सो फ्रेंड्स, अब हमारी जो थर्ड कैटेगरी आती है वो है सेफ्टी, जो बहुत ही जरूरी है। सो फ्रेंड्स, अगर हम सबसे पहले अगर इवोक की बात करें तो ये कार अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुई, सो इसका अभी तक क्रैश टेस्ट नहीं हुआ गा, तो हम यहाँ पे कितनी रेटिंग्स यहाँ पे इस कार को 5 out of 5 मिलती है इसे भी हम यहाँ पे जज नहीं कर सकते है। सो अगर हम इस कार के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी ब्रेक असिस्ट, एंटी लॉक डिस्क ब्रेक्स, टॉर्क कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैक्शन कंट्रोल, रोल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रेलर स्टेबिलिटी असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, लैंड कीप असिस्ट, ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, सराउंड व्यू कैमरा, ऑटोमेटिक पैरेलल एंड परपेंडिकुलर पार्क असिस्ट, रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, फ्रंट इंपैक्ट एयरबैग्स जैसे बहुत सारे और भी सेफ्टी फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। और इस कार में आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे जो आपके नी, हेड एंड शोल्डर को प्रोटेक्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, देन आफ्टर अगर हम यहाँ पे ऑडी Q5 के सेफ्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 6 स्टैंडर्ड एयरबैग्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल मिरर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मिरर, ऑटो लीडिंग हेडलाइट्स, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे और भी कुछ सेफ्टी फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और ऑडी Q5 को क्रैश टेस्टिंग रेटिंग्स यहाँ पे 4.75 out of 5 मिले जो बहुत ही अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, देन आफ्टर अगर हम वोल्वो XC60 के सेफ्टी के बारे में बात करें तो सबसे पहले अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल मिरर्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, ऑटो लीडिंग हेडलाइट्स, लेन डिपार्चर वार्निंग, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट जैसे और भी बहुत सारे आपको यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और इस कार में भी ऑडी Q5 एंड इवोक के जैसे ही आपको 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं और इस कार को क्रैश टेस्टिंग में 4.9 रेटिंग्स मिले हैं आउट ऑफ 5 जो बहुत ही अच्छे हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे सेफ्टी कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पे तीनों कार्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, बट यहाँ पे वोल्वो रेंज रोवर इवोक एंड ऑडी Q5 से थोड़ी सी आगे निकल जाती है सेफ्टी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 5 star रेटिंग मिलते हैं क्रैश टेस्टिंग में। तो ये बहुत ही एक प्लस पॉइंट यहाँ पे है वोल्वो XC60 के लिए जो सेफ्टी कैटेगरी में यहाँ पे XC60 को विनर बनाती है। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डेफिनेटली विनर होती है रेंज रोवर इवोक। और अगर हम सेकंड पोजीशन पे अगर कोई सी कार को रखना चाहते हैं तो वो है वोल्वो XC60 एंड थर्ड पोजीशन पे मेरे हिसाब से आनी चाहिए ऑडी Q5। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स, वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सी कार फर्स्ट पोजीशन पे आनी चाहिए, कौन सी सेकंड एंड विच वन इज थर्ड। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन करें ऑटोमोबाइल्स को। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।